सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन शादाब खान हमारे साथ मौजूद हैं। टीम की ट्रेनिंग कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगी, तो हम थोड़े क्वेश्चन ही ले सकेंगे। जिनके क्वेश्चन हम ना ले सकें उनको फिर हम दूसरे सेशन में अकोमोडेट करेंगे। तो सबसे पहले सुहेल इमरान, शाहिद हाशमी, आप क्वेश्चन करें। शादाब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिसेंटली आपकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही है जिस तरह की एक सीनियर खिलाड़ी हैं, आप वाइस कैप्टन भी हैं टीम के, तो आप जस्टिफाई करते हैं इस चीज को कि नो डाउट आपको फिटनेस के मसाइल भी रहे, आप पूरा अरसा खेल भी नहीं सके। लेकिन अगर हम T20 की बात करें, लास्ट 4 T20 मैचेस विकेटलेस, और कैसे जस्टिफाई करोगे इस परफॉर्मेंस को आप इंटरनेशनल लेवल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, बिल्कुल मैं उस तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया जिस तरह मैंने पहले दी थी। आपको पता है इंजरी की वजह से मैं इतने मैचेस भी नहीं खेला, और आप जब इंजरी से वापस आते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से जिस तरह लास्ट 2 मैचेस में मेरे बॉलिंग में रिदम था, और जो अभी अबू धाबी लैग PSL का भी हुआ था, तो काफ़ी अच्छे रिदम महसूस कर रहा हूँ। और क्योंकि इंजरी के बाद मुकम्मल फिट हुआ तो काफ़ी अच्छे रिदम में लग रहा हूँ, और इंशाल्लाह एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए वाइस कैप्टन, होपफुली मैं टीम के लिए कंट्रीब्यूट अच्छा से अच्छा कंट्रीब्यूट करूँ। शादाब, अस्सलाम वालेकुम। शादाब, सेल्फ असेसमेंट करते हैं अपना हर मैच के बाद के कहाँ पे लैकिंग हो रही है? इतने प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग आपकी जबरदस्त है, फील्डिंग आपकी जबरदस्त है, वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला शादाब खान कहीं खो गया है, तो वो असेसमेंट करते हैं अपनी हर मैच के बाद, और कोच और कप्तान क्या कहते हैं आपको? जी डेफिनेटली, आप एज ए प्रोफेशनल बिल्कुल असेसमेंट होती है कोचेस के साथ भी और इंडिविजुअल भी, इंडिविजुअल ज्यादा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिविजुअल जो आप खुद से सीखते हैं अपनी गलतियां, आपको पता होता है कि आपने क्या गलतियां की हैं, क्योंकि अब मैं इतनी क्रिकेट खेल चुका हूं कि मुझे पता है कि मैंने क्या गलती की है क्या नहीं की। बिल्कुल टैलेंट एक जगह, लेकिन हार्ड वर्क जितना ज्यादा, मेरी कोशिश है हार्ड वर्क जितना ज्यादा करूं और टीम के लिए अच्छे से अच्छे कंट्रीब्यूट करूं, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, तो कोशिश ये होती है कि टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूं। और रिसेंटली मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन अब इंजरी के बाहर कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छे रिदम में लग रहा हूँ, और होपफुली T20 में अच्छी परफॉर्मेंसेस हों। काइंडली अपने माइक आप सब लोग म्यूट कर लें ताकि सब लोग आंसर को क्लियरली सुन सके। तो रिक्वेस्ट करूंगा रिजवान जोजी एंड रशीद शकूर, प्लीज। जी वालेकुम सलाम। हमने देखा कि आप जब फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, तो आप ऊपर के नंबरों पर बैटिंग करते रहे, पाकिस्तान टीम में आप आए तो आप नीचे के नंबरों पर बैटिंग करते रहे, और बॉलिंग में आपका वो रिदम हमें बिल्कुल नहीं नजर आ रहा जो कि होना चाहिए। तो आपके ख्याल में ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपने ऊपर के नंबरों पर बैटिंग की और फिर उसको आपने फॉरन मोल्ड करना हो नेशनल टीम में आके, उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या इससे भी आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा है, या आप समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है? मेरी पहले कोशिश होती है कि जस्ट जो टीम को रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से होना चाहिए, और मेरे ख्याल से फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं ऊपर जाता हूँ, और जो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और आपने देखा भी होगा कभी हसन भी मेरे से ऊपर चला जाता है, फहीम होते हैं, तो जब जिस टाइम जिस टीम को ज़रूरत होती है कोशिश वही होती है कि वो उस हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल नो डाउट, आप जिस तरह आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, मेरी रिसेंटली परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है, और बस मेहनत कर रहे हैं, आपके हाथ में एफर्ट होती है और मेहनत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह रिजल्ट अल्लाह ताला देंगे, और क्योंकि आप अपना 100% जब देते हैं एवरी टाइम ऑन द फील्ड, तो अल्लाह ताला आपको रिजल्ट देते हैं, और मेरी भी कोशिश है कि अपना 100% देता रहूँ, और इंजरी के बाद रिकवर किया तो बिल्कुल अपना 100% दे रहा हूँ, और होपफुली रिजल्ट भी आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम शादाब। शादाब, जितनी भी बात हुई है आपकी परफॉर्मेंस पे, और वो जो सुहेल इमरान का सवाल था कि 4 T20 लास्ट ऐसे हैं कि जिसमें आपके विकेट नहीं है, कल आप मैदान में उतरेंगे, तो जब नायब कप्तान बनने के बाद और इस वक्त जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, तो समझ रहे हैं कि ये मामला कुछ मतलब ज्यादा आपने ऊपर प्रेशर लेने का है, कॉन्फिडेंस शेक हो चुका है, क्योंकि टैलेंट और ये सब चीजें स्किल आपके पास मौजूद है, तो क्या मामला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का है जो शेक हुआ हुआ है, जो अभी तक
आप उसको कवर नहीं कर पा रहे? मेरे ख्याल से जब से मैं इंजर्ड हुआ उसके बाद जो भी मेरे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इंजरी से पहले मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। जब आप इंजर्ड होते हैं उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको बॉडी पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए टाइम चाहिए होता है, और मेरे साथ रिसेंटली ऐसे ही होता था कि जब मैं वापस आता था तो अनफॉर्चुनेटली मैं दोबारा इंजर्ड हो जाता था, तो काफ़ी मुश्किल होता है कि आपको बॉडी पे कॉन्फिडेंस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्योंकि मैं काफ़ी मैचेस खेल चुका हूँ और मुझे बॉडी पे अपना ट्रस्ट है और मेरे ख्याल से अच्छे रिदम में हूँ, क्योंकि जिस तरह मेरे T20s में भी बॉलिंग हो रही थी तो अच्छे रिदम में लग रहा हूँ। प्रेशर, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जब आप ग्रीन शर्ट पहनते हैं तो ऑब्वियसली आप पे प्रेशर रहता है, वो क्योंकि आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, तो प्रेशर क्योंकि हम लकी भी हैं कि 22-23 करोड़ के अवाम में से हम 15-20 लड़के आए होते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये एक अलग ही प्रेशर होता है अपनी कंट्री के लिए, तो वो तो चाहे मैं 500 मैच भी खेल चुका हूँ तो वो तो प्रेशर रहेगा। और क्योंकि आप जब कंट्री के लिए खेलते हैं तो आपको हर टाइम अपना 100% हर टाइम परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं, तो बिल्कुल परफॉर्मेंसेस का आपके ऑलवेज आप अंडर प्रेशर होते हैं, और आपको क्योंकि हम इतना खेल चुके हैं और अंडर प्रेशर में हमें परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेंगी एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए वाइस कैप्टन मुझे स्पेशली टीम के लिए स्टेप अप करना पड़ेगा, और कोशिश यही है कि जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूं इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिजल्ट भी दे। थैंक यू। लास्ट थ्री क्वेश्चंस, हुज़ैफा, उस्मान एंड तैमूर। शदाब, हुज़ैफा फ्रॉम समर टीवी। शदाब, जैसे सब बात कर रहे हैं कि लास्ट फोर मैचेस में आपके पास विकेटलेस है, साउथ अफ्रीका में ओडीआई में आपको विकेट नहीं मिली, बैटिंग में भी कुछ खास हो नहीं रहा, तो आप नहीं समझते कि उस्मान कादिर जो बैकअप पे मौजूद है उनकी जगह आप जो है वो घेरे हुए हैं क्योंकि आप नायब कप्तान हैं तो उनको जगह नहीं मिल पा रही? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये वाइस कैप्टन की बात नहीं है कि मैं वाइस कैप्टन हूँ तो मैं टीम में खेलता रहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबर को भी पता है और कोचेस को भी पता है कि जब जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप खिला सकते हैं, और जब उनको लगेगा कि मेरे टीम में जगह नहीं मिलती तो उस्मान जिस तरह माशाल्लाह उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं और वो हमारा फ्यूचर है और जिस तरह का वो रिदम में लग रहा है इंशाल्लाह उसको भी चांस मिलेगा, और इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर हो वही होना चाहिए। उस्मान क्वेश्चन करें। अच्छा शादाब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि बॉलिंग की आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी लैग कर रही है, क्या ये वजह तो नहीं है कि आपने बैटिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी है नेट्स के अंदर, कि आपको लोग ऑलराउंडर की तरफ लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑलराउंडिंग की तरफ जाएं, तो इसी वजह से आपकी कहीं बॉलिंग तो नहीं पीछे लैग कर रही है? नहीं, आपको पता है कि अगर आप इतनी ज्यादा मेरी टेंशन ले रहे हैं तो एज ए प्लेयर मैं कितनी टेंशन लेता हूँ अपनी बॉलिंग की, तो बिल्कुल आप क्योंकि आप आपने देखा नहीं होगा कि मैं मतलब बॉलिंग में कितनी एफर्ट करता हूँ और बैटिंग में कितनी, तो अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फोकस शिफ्ट हो गया। आप मेरा फोकस हमेशा से बॉलिंग में था और अभी भी बॉलिंग में है, बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है हमेशा से, मैं ये कहता आ रहा हूँ कि बैटिंग मेरा प्लस पॉइंट है, लेकिन हमेशा से मेरा फोकस बॉलिंग पे होता है और मैं उसी पर मेहनत कर रहा हूँ, और आपको पता है ये क्रिकेट है इसमें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, और जब आप डाउन होते हैं तो जो उधर से उठता है वो क्योंकि एज ए प्रोफेशनल हमें वहीं से उठना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में अप्स एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और उससे हम सीखते हैं और अपने मिस्टेक से जो सीखा है कोशिश करेंगे कि वो दोबारा वैसी मिस्टेक ना हो। लास्ट क्वेश्चन तैमूर। जी बिल्कुल शादाब, जिस तरह पाकिस्तानी टीम के अंदर दो अराउंडर खेल रहे हैं जिस तरह आप और फहीम खेल रहे हैं, तो फहीम नो डाउट कि उन्होंने कुछ टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया है, मगर वन डे में वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही हमारे आपसे और फहीम से, दोनों अराउंडर थे, तो पाकिस्तानी टीम को एक मुस्तनाद अराउंडर की जरूरत है, आप क्या समझते हैं? आप मेरे ख्याल से आप परफॉर्मेंसेस ना होना इसका मतलब नहीं है कि आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं या आपके पास स्किल्स नहीं हैं, आपका जब आप अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, फहीम ने नो डाउट टेस्ट मैचेस में जिस तरह के परफॉर्मेंसेस दिए हैं न्यूजीलैंड में पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से जो हम टेस्ट मैचेस जीतते हैं उसमें उसका अहम किरदार है। अनफॉर्चुनेटली उससे तीन मैचेस से आप किसी को जज नहीं कर सकते, और वैसे भी आप सिचुएशन देखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कभी आपसे होता है कभी नहीं होता,
तो बिल्कुल आप क्रेडिट साइज आपका बिल्कुल जायज है और हमें एज ए प्रोफेशनल हमें क्रेडिट साइज पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस क्योंकि हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तकरीबन सारे क्वेश्चन शादाब पे इंडिविजुअल थे। इजाज वसीम बाकरी ने रिक्वेस्ट किया कि वो सीरीज के ऊपर सवाल करना चाहें, तो इजाज वसीम बाकरी जस्ट क्विक क्वेश्चन प्लीज। शादाब, अब मॉर्गन भी आ चुके हैं और इंग्लैंड की रेगुलर टीम आ चुकी है, यहाँ पाकिस्तान में सब लोग डरे हुए हैं फैंस के, उनकी सेकंड 11 ने पाकिस्तान को 3-0 कर दिया है, तो T20 सीरीज में आप लोग नॉटिंघम पहुंचे हो, मोरल कैसा है और उनका कॉम्बिनेशन देख के अब क्या फील कर रहे हो आप लोग? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पहले भी जिस तरह वनडे में भी तैयारी थी तो वो उनकी जो मेन टीम है उसके हिसाब से तैयारी की हुई थी और आपको पता है ये डिफरेंट फॉर्मेट है, हमारे डिफरेंट टीम है, हमारे जिस तरह के सीनियर्स प्लेयर्स आए हैं, हफीज भाई हैं, मैडी भाई हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है और जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं T20 में, लास्ट 10 T20 में हम 7 मैचेस जीते हैं और ज़्यादातर लड़के हम जितने भी पाकिस्तान टीम में वो PSL भी खेलते आ रहे हैं, तो T20 क्रिकेट हम काफ़ी ज़्यादा खेल चुके हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, होपफुली एक अच्छी सीरीज नज़र आएगी आपको। थैंक यू सो मच शादाब खान, थैंक यू सो मच एवरीवन जी, और इंशाल्लाह कल पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा जो है मुलाकात होगी। थैंक यू।